बड़ी बात कही है कि बहुत जल्द आप उन लोगों की खुलासा करने वाले हैं जिनका बजरी माफिया से पार्टी और कांग्रेस के एक दर्जन नेता जो बजरी माफिया के पार्टनर हैं और जो मेरे खिलाफ जातीय थेर फुलवा रहे हैं, जिस तरह कई बच्चों को फर्जी आईडी से लाइव आके जिस तरह जातीय थेर फैलाने का काम करें, उनकी मैं पोल भी खोलूंगा और हमारे पास कुछ दस्तावेज ऐसे भी मिले। ये राजस्थान का ही नहीं देश का सबसे बड़ा घोटाला है, इसमें कितने लाख करोड़ का बजरी का घोटाला होगा, उसमें कांग्रेस भाजपा के बड़े लोग इन्वॉल्व है, इनकी लिस्ट भी आपको देंगे, ईडी ऑफिस का हम घेराव भी करेंगे और ईडी को सारे वो कागजात देंगे जिससे कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की पोल खुलेगी। बीजेपी इसलिए चुप है, बीजेपी के एक नेता का बयान तक नहीं आ रहा है कि बजरी के मामले में किस तरह जनता त्राईमाम करेगी राजस्थान, किस तरह की दुर्दशा राजस्थान की हो रही है, फिर भी बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेता बजरी माफिया के साथ सेवन स्टार होटलों में आपको दिल्ली नजर आएंगे, मैंने खुद अपनी आंखों से। लेकिन सर आपने कहा तो क्या उनमें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्री स्तर के लोग आएंगे? मंत्री स्तर से बड़े लोग आएंगे, उसमें मंत्री जो आएंगे, कैबिनेट मंत्री आएंगे, कैबिनेट मंत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग आएंगे, सीएमओ के पूर्व सीएमओ यहाँ के सारे वो लोग आएंगे और आप देखें जब वो लोग आएंगे तब उनके चेहरे जब नकाब हटेगा तब राजस्थान की जनता को पता लगेगा ये है बजरी का खेल, ये बजरी का खेल है, ये रेत का खेल है, लोग रेत ही खा गए, बजरी खा गए, वो धापे नहीं राजस्थान के अंदर, इसलिए आम जनता की कौन सुनवाई करेगा राजस्थान में, आप बताए जनता की जो हालत हुई है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जिम्मेदार है, जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए उस खेत की रखवाली कौन करेगा? ये तो मैं धन्यवाद दूंगा इन लोग यूनियनों को, हमारे लोगों को सड़क लड़ाई करके मेहनत करें, हर जिले के अंदर आप जाओगे तो कोई तो मंत्री पार्टनर है, कोई पूर्व सांसद पार्टनर है, कोई विधायक पार्टनर है, कोई विधायक का भाई है, तो कोई मंत्री का भाई है, हर जगह की यही स्थिति है। इसलिए मैंने कहा 2-5-10 दिन बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ईडी के अंदर कागज लेके जाएंगे तब हम मंत्रियों के नाम सहित सारा बही खाता इनका खोल देंगे। सर लगातार आरएलपी का जो क्रेज बढ़ रहा है, इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के कैसी तैयारी, कितनी सीटों पर है? हमारी जबरदस्त तैयारी है और चूंकि चुनाव राजस्थान का जनता लड़ रही है, इस बार जनता बनाम कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस मुक्त राजस्थान, भाजपा मुक्त राजस्थान, मोदी की किसान जवान विरोधी नीतियां, राजस्थान की भ्रष्टाचार और अपराध और लूट खसोट राजस्थान सरकार की, इन मुद्दों के चुनाव के अंदर हम उतरेंगे। आरएलपी का हमारा जो एजेंडा है कि टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, आपका कर्ज मुक्त किसान, मजबूत लोकपाल, आपने लोकायुक्त की अगर रिपोर्ट पढ़ी तो मैं आपको कॉपी भेज दूंगा सबको आजकल के अंदर, इसमें 12 FIR दर्ज करने के लिए लोकायुक्त कहता है कि मुखिया के खिलाफ FIR दर्ज करें, वो रिपोर्ट किसको दे रहा है? सीएम को, तो सीएम अपने खिलाफ FIR कैसे करेगा बताओ मुझे? तो लोकायुक्त को पूरी सत्या मिले कि खुद ही मुकदमा दर्ज करके कांग्रेस लेके ट्रायल चलाए, हम ही मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के लिए चाहते हैं, हमारे एजेंडा है पार्टी का और हम प्रयास करेंगे। लोकसभा के अंदर भी राजस्थान के हकों की अगर लड़ाई किसी ने, तो हनुमान बेनीवाल ने लड़ी, एक अकेला व्यक्ति, चोईस मोदी की जय बोलते हैं, एक राजस्थान की जय जयकार करता है, वो अग्निपथ, किसान, कोरोना, टिड्डी, चाहे आपके दूसरे तमाम मामले हो, चाहे ERCP का मामले हो, तमाम उन मुद्दों को लोकसभा के अंदर रखता है, इसके तीनों विधायक विधानसभा में और सड़क पर संघर्ष करता हुआ कोई व्यक्ति दिख रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सर, किसी से गठबंधन पिछले 1.5 महीने से कर्मियों को बर्खास्त करने की पार्टी से हमने बात कर ली है 2 दिन से, इससे बड़ी विलंबना नहीं कि थाने में बलात्कार हो रहा है, एम्बुलेंस में बलात्कार हो, ये गहलोत और वसुंधरा के राज्य के अंदर हो रहा है। अभी मेरी कोई बात नहीं है उन लोगों से, अभी कोई किसी तरह की उन लोगों से मेरी बात नहीं हुई, गठबंधन करके चुनाव कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए जहाँ जहाँ ऐसे चेहरे सामने आए हम उनका विरोध करें, उनको सलाह को पीछे डलवा रहे, लेकिन सही काम जब होगा, जब सरकार के आसपास बैठेंगे या कलम हाथ में होगी, उस दिन सारा काम होगा, कानून बदल जाएंगे और ऐसे लोग सलाह को पीछे होंगे। जब हमने मांग उठाई कि ये आपके जो अभ्युदय स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, कोराई के अंदर हमने मांग उठाई, उसके बाद डूंगरगढ़ की रैली में हमने मांग उठाई, उसके बाद कई IAS और जो आ रहे थे उनकी अभ्युदय स्वीकृति सरकार ने दे दी, जब तक सबकी नहीं देंगे हम पीछे छोड़ने वाले नहीं, हम बैठ जाएंगे, राजधानी को घेर लेंगे और सारे काम करा के दम लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला दूँ। जोलियाली को लेकर आपने बहुत सारे ट्वीट भी किए।